बस ठीक है बच्चे। अबे अबल ना रे क्रश अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, बड़े क्या हाल है? ठीक ठाक, सारे खैरियत से है, सारे खुशबाश। अच्छा बेटा, दिस इज द नेक्स्ट वीक, आई थिंक दिस इज द थर्ड वीक दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, और दिस इज द फोर्थ वीक आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफ दिस वीक ऑफ दिस मंथ दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। बेटा द टॉपिक व्हिच आई एम सेलेक्टिंग फॉर योर lecture, that is called logical connector. But if you see in your course, you will find the same topic, logical connector. You will see it. Now this is logical connectors has बेटा ये लॉजिकल कनेक्टर, इसको बेटा द सेकंड नेम फॉर दिस लॉजिकल कनेक्टर इज कॉल्ड कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव, यू नो, वन इज द एडहेसिव फोर्स, द अदर इज कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब क्या होता है? व्हेन दे आर कंबाइनिंग टू थिंग्स, वी आर हैविंग डिफरेंट लिक्विड्स एंड वी कॉल दैट दिस इज हैज कोहेसिव पावर एंड दिस इज एडहेसिव पावर। याद है ना बेटा, ये सेम वही से डिराइव्ड है। तो बेटा ये कोहेसिव डिवाइसेस या लॉजिकल कनेक्टर्स पे हमने जो टॉपिक बनाया बेटा, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू बेटा, वो क्या है? दैट इज द टॉपिक इज कनेक्टर्स, लॉजिकल कनेक्टर्स। आई हैव प्रिपेयर्ड अ डिटेल लेक्चर ऑन इट, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। लुक, दिस इज द लॉजिकल कनेक्टर टॉपिक फ्रॉम कोर्स आउटलाइंस with the name of logical connectors. But its second name is also cohesive devices, we call it cohesive devices as well. So both the names are very familiar for the topic. Basically these are the conjunctions, na, the connectors of two sentences. But before to start these connection, these connectors, you will have to know about the phrase and clause. But a phrase and clause par main ek dusra lecture bhi detail mein dunga aapko inshallah, if we get time for the physical lecture aunga. तो बस चीजें बेटा, ये मैं इस टॉपिक को क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन में, क्योंकि बेटा ये इतनी ज्यादा क्या है, कंसेप्चुअल नहीं है। जिन चीजों में ज्यादा काम है, ज्यादा कंसेप्ट उनके लिए चाहिए। तो बेटा इस वजह से मैं बेटा ये टॉपिक इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है, इसमें इतना ज्यादा लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको वो कोर्स करवाऊँ। आई एम गोइंग टू डिलीवर दोस लेक्चर्स विच आर नॉट दैट मच कंसेप्चुअल, क्योंकि बेटा ये कंसेप्चुअल टॉपिक्स के लिए आई नीड योर प्रेजेंस इन द क्लास। व्हेन यू आर नॉट इन द क्लास, सो दिस इज लाइक मैथमेटिक्स क्लास। फंक्शनल इंग्लिश इज नॉट लेस देन मैथमेटिक्स। As in mathematics, you need whiteboard and you need the solution of the problems. Same is the case with our English grammar. We are having some topics like skimming, intensive, extensive reading, connectors. So these are the topics for which we are not in the need of any that much logic is not involved in it. These are very simple and no technicalities are getting involved in it. तो बेटा याद रखना, we are talking about logical connectors. What are the connectors? The connectors are basically conjunctions. बेटा देख रहे हैं, आप ये समझिए कि these are not less than basic vocabulary. क्या होना चाहिए? Before you know about the logical connectors, you will have to know about the sentence and subordinate clause and noun phrase. बेटा जब तक हम ये चीजें नहीं जानते, हमें पता नहीं चलेगा कि क्या है। ठीक है बच्ची, देखो बेटा, what is sentence? Already we discussed in detail. Sentence is a group of words that has leads one subject and a verb and which stand by its own independently. So that is called a sentence. Like I play cricket. So this is a sentence.
We play cricket. This is a sentence. I'm writing a letter to my friend. This is a sentence. अब बेटा देख ले, अब क्वेश्चन ये है ना कि व्हाट इज द क्लॉज. बेटा याद रखना, क्लॉज इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सबॉर्डिनेट क्लॉज जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो बेटा सेंटेंस खुद भी एक क्लॉज है. मतलब आई प्ले क्रिकेट, तो आई प्ले क्रिकेट इन इटसेल्फ इज अ सेंटेंस एज वेल इट इज अ क्लॉज. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लॉज? इन क्लॉज वी आर हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वी आर हैविंग इट्स ओन वर्ब. दो चीजें किसी भी क्लास के लिए जरूरी है, इसका अपना सब्जेक्ट भी होगा, अपना वर्ब भी होगा. अगर इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, then we cannot call it a class. ये फ्रेज तो हो सकता है, क्लास नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा क्लास के लिए दो चीजों का होना इंतहाई जरूरी है. नंबर वन क्या? सब्जेक्ट. नंबर टू क्या? वर्ब. मसलन आई ट्राई टू हेल्प हिम. Now this, see, I tried to help him when he was in trouble. अब बेटा when he was in trouble, ये सारा का सारा ग्राफ उठाओगे बेटा, ये सारा क्या बन जाएगा? ये क्लास बन जाएगा, ठीक है बच्ची? लेकिन यहाँ पर when he was in trouble, तो बेटा ये incomplete है, इसके लिए कुछ और वर्ड्स की जरूरत है. तो जहां पर बेटा हमारे पास as soon होगा, as होगा, because होगा, so होगा, तो बेटा ये सारे के सारे इसको सबॉर्डिनेट क्लासेस कहते हैं, ठीक है बच्चे? बेटा पहले आप क्लासेस को समझे, इन क्योंकि बेटा सेंटेंस में जब दो क्लासेस होती है ना, तो इसका जो मिलाने वाला वर्ड होगा जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं बेटा, वही आपका कनेक्टर है, वही आपका लॉजिकल कनेक्टर है, वही आपका कोहेसिव एडहेसिव डिवाइस है, ठीक है बच्चे? बेटा देखते जाओ, आपके सामने चंद चीजें आ रही है. देखो बेटा सबॉर्डिनेट क्लास क्या है. A subordinate clause is a group of words which also contain at least a subject and a verb, but which cannot stand on its own. It is dependent because क्या है बेटा? ये connector है. Because he called. Subject भी है, ये verb भी है. लेकिन बेटा यहाँ पर आपको meaning clear नहीं है. अब because he called. Because he, अगर मैं ऐसे देखू ना, अब थोड़ा सा बेटा मिसिंग है. अगर इसको मैं ऐसे कर लू तो गलत नहीं होगा. देखिए बेटा, इट नीड्स अ मैन क्लास टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. इट इज ओनली अ फ्रेगमेंट. बेटा ये फ्रेगमेंट है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. शी वॉज हैप्पी. वाई? Because he called me. अब देखो बेटा, because की वजह से ये subordinate है. Subordinate का मतलब क्या? ये dependent है इस पर. Because he called me. देखो, because he called me. Why? क्यों? She was happy. ठीक है बच्चे? तो जब तक आप इसके she was happy नहीं लगाओगे, आप इसको translate कर सकते हैं, लेकिन बेटा आप इसकी sense को get नहीं कर सकते. तो sense understanding के लिए ये बिकॉज लगा, और बिकॉज क्या क्या लाता, इसकी वजह से ये सबॉर्डिनेट क्लास हो गया. तो बेटा ये बिकॉज यहाँ पर आपका क्या बना? ये आपका कनेक्टर भी बन गया, ये आपका जो है लॉजिकल कनेक्टर भी बन गया, और ये जो है ना आपका डिवाइस हुआ, एडहेसिव डिवाइस हुआ. फ्रेज आपको पता है बेटा कि क्या है. नाउन फ्रेज क्या होगा? अ फ्रेज ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हूज हेड इज अ नाउन, a pronoun or a gerund acting as a noun. It can be accompanied by determiners, adjectives or other modifiers, and it always function as a subject of the object of sentence. Masalan, these determiners hai, wonderful adjective hai, actors ye noun hai. These wonderful actors, ab baat kiske bare mein kar rahe hai beta? These wonderful actors ke bare mein. You are talking about actors, theek hai bachche? तो ये क्या बना? इस वजह से ये नाउन फ्रेज कहलाता है. आगे देखे बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा. हमारे पास बेटा कनेक्टर्स के टाइप्स है. अब ये पेपर में ऐसे तो नहीं आएगा कि तुमसे ये डिमांड हो, राइट अ नोट ऑन द कनेक्टर्स ऑफ एडिशन एंड राइट अ नोट ऑन द कनेक्टर्स ऑफ कंट्रास्ट, और राइट अ नोट ऑन द कनेक्टर्स ऑफ कॉज एंड रीजन, राइट अ नोट ऑन द कनेक्टर्स ऑफ रिजल्ट्स, और राइट अ नोट ऑफ द कनेक्टर ऑफ पर्पस, एंड राइट अ नोट ऑन द टाइम एंड सीक्वेंस and connectors of similarity, connectors of opinions and general statements. So, beta, such kind of question will not be there in your paper. Pehle to main
प्रॉबेबली मुझे यकीन है कि कनेक्टर से, लॉजिकल कनेक्टर से कोई क्वेश्चन आता नहीं। अगर कोई सिंपल कंजंक्शन आ जाए तो फिर आपको कंजंक्शन मैंने पहले लेक्चर में समझा दिया बेटा, मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आपके क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ कि फैंस बॉय, फैंस बॉय क्या है बेटा, ये एक फार आर नार, ये सारे समझाया था ना, सो बी बट ओ आर वाई यट इस सो, देख रहे बेटा। सो वी आर हैविंग 13 काइंड्स ऑफ, अब ये पेपर में ऐसी भी नहीं गा कि हाउ मेनी कनेक्टर्स वी आर हैविंग, इधर बेटा जस्ट जनरल आपके साथ काउंटिंग आई है कि वी आर हैविंग दीस डिफरेंट कनेक्टर्स। अब मसलन देखो बेटा मैं कहता हूँ ना कंट्रास्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेटा देख ले थोड़ा सा, अगर मैं कंट्रास्ट की बात करूँ तो मेरे पास कनेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, डेफिनेटली बट हो जाएगा, ये कंट्रास्ट का है। इन एडिशन, एडिशन का मतलब क्या है, अलोंग दैट, अलोंग दैट, अगर मैं ऐसे लिखूं ना बेटा तो ये क्या बन जाएगा, अलोंग दैट, ये आपका क्या बना, दिस इज कॉल्ड कनेक्टर, क्योंकि बेटा एडिशन के लिए कर। रिजल्ट का, रिजल्ट का क्या होगा बेटा, मसलन इन अ रिजल्ट कंक्लूजन पर्पस बिकॉज टाइम एंड सीक्वेंस सिमिलरिटी ओपिनियन, बेटा ये सारे के सारे अब आपके सामने मैं क्लियर करता हूँ। सो वी कॉल देम स्टूडेंट्स, बेटा असल में जब वो अपने कोर्स आउटलाइंस को देखते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट आर द लॉजिकल कनेक्टर्स। So logical connector is one name, the other name is conjunctions. These are the kind of conjunction because of which we are combining two sentences or two clauses in which one is dependent and the other is independent. For both the complex sentences and compound sentences and also complex compound sentences, we can use all these connectors and these connectors are combining all of them. इस वजह से बेटा ये अगर इसको हम conjunction कहे, logical connectors कहे और साथ वो क्या है एडेसिव डिवाइस का है तो भी गलत नहीं है। अब बेटा देखते जाए एडिशन का, इन एडिशन टू एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट फॉर बिसाइड्स, इन एडिशन मोर एवर फर्दर मोर व्हाट इज मोर बिसाइड्स एंड आल्सो टू, बेटा ये सारे के सारे अब देखे ना इसको कनेक्टर्स ऑफ एडिशन कहते हैं। इन एडिशन देखो बेटा ये सेंटेंस देखिए, इन एडिशन टू ओबेसिटी जी फास्ट फूड काजेस serious health problems. In addition to, अब बेटा ये in addition to ये क्या बना, in addition to ये noun phrase बन गया, देखिए बच्चे, और इसको हम क्या कहते हैं, this is called logical connector. Besides को देखिए बेटा, besides इसकी जगह मैं besides भी लिख सकता हूँ, noun phrase बन गया, fast food cause obesity as well as serious health problems. तो as well as besides in addition, बट ये सारे के सारे क्या बन गए, these are called the connectors of addition. In addition, moreover, his father advised his son, and moreover, he was given money when he was coming for hostel. देख रहे बेटा ये सारे क्या है, इसको addition में, ये हम addition के लिए use करते, इसके साथ साथ बेटा कंट्रास्ट को आप देख ले, कनेक्टर ऑफ कंट्रास्ट, ये मैंने आपको पहले से बता दिया। कंट्रास्ट का मतलब क्या हुआ, बावजूद इसके, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऑफ दोनों सेम है, बावजूद इसके, ऑल्दो अगरचे, ऐसे हुआ लेकिन हमने फिर भी ये कर दिया, ऑल्दो ही इज नॉट अ गुड सन स्टिल ही इज रिस्पेक्टेड बाय द पेरेंट्स, इसको कंट्रास्ट कहते हैं ना, अगरचे वो अच्छा नहीं है लेकिन उसकी इज्जत की जाती है। इवन दो ही डिड नॉट वर्क अलॉट, अगर कि उसने काम नहीं किया, स्टिल ही गॉट वेरी गुड नंबर, देख रहे हैं। तो बेटा ये कंट्रास्ट को शो कर रहे हैं हर एक इसमें, ऑन द कंट्री, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड, ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा, कनेक्टर्स ऑफ कंट्रास्ट इसको कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब आगे देखो, कंट्रास्ट, येट बता दिया पहले भी, येट बट,
ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बट ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स. ये कंट्रास्ट है कि नहीं? कंट्रास्ट है ना. ही वर्कड अ लॉट स्टिल ही फेल्ड ऑल द पेपर्स. अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, इसको कंट्रास्ट कहते हैं. कनेक्टर ऑफ कॉज एंड रीजन. ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ दैट, ड्यू टू दैट, ओविंग टू, मद्देनजर रखते हो. अब बेटा इसे के खुदे को बिकॉज ऑफ, इस वजह से, ड्यू टू, इस वजह से, ओविंग टू, मद्देनजर रखते हुए, थैंक्स टू, मैं आपके इस वजह से इस बात पर शुक्रिया अदा करूं, एज अ रिजल्ट ऑफ, बिकॉज, सिंस, एज, हर एक के लिए आपके यहाँ पर एग्जाम्पल है बेटा. आप इसको देख ले तो आपको समझ आ जाएगा कि कनेक्टर ऑफ कॉज एंड रीजन. बेटा नेक्स्ट वन इज कनेक्टर्स ऑफ रिजल्ट्स. एज अ रिजल्ट, कंसिक्वेंटली, एज अ कंसिक्वेंस, देयरफॉर, दस, फॉर द रीजन, दैट्स व्हाई. बेटा ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कनेक्टर ऑफ रिजल्ट्स कहलाएंगे. अब इसको बेटा एग्जांपल में पढ़ ले. कनेक्टर्स ऑफ पर्पस, इन ऑर्डर टू, सो एज टू. फिर हम बेटा क्या करेंगे? ऑर्डर जब जब पर्पस का होगा बेटा, ये तो आपको क्लास में मैंने जलन समझाया था, मैं फिर समझा दूंगा कि बेटा इन्फिनिटिव हमारे पास ये काम करते हैं. Infinitive to plus base form, to go, to sleep, to work. ये सारे infinitive कहलाते हैं. You must study in order to learn, to learn. Connectors of time and sequence, in the beginning, at first, first of all, then, next, later on, after that, afterwards, meanwhile, soon, finally, in the end, eventually, at last. बेटा ये सारे time and its sequence शो करते हैं बेटा, सही है? बीप मिलो. Connectors of time and sequence, when, while, as, before, after, until, as soon as, by the time, before, after all, and during. ये सारे के सारे बेटा, we all of them are called, ये sequence show करते हैं. When, क्या sequence है बेटा? When, जब आप नहीं नहीं क्या? When you were not listening to me, I was telling you to come here. While he was crossing the road, he met an accident. As he entered the sequence, kya hua? As he entered. So what happened? Until you work hard, you cannot get good marks. As soon as you get clear your paper, you will be nominated for your as a degree holder. Dekh rahe ho, ye sare ke sare beta, ye sequence, time and sequence ko show karte hain. जब तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, जब तुम ऐसे कर रहे थे तो ऐसे हो जाएगा. बेटा इसको कहते हैं सीक्वेंस. सिमिलरिटी, इसी तरह. सिमिलरली ही रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स. सिमिलरली इसी तरह ही रिस्पेक्ट्स हिज नेबर्स. लाइकवाइज ही रिस्पेक्ट्स हिज फादर. लाइकवाइज ही रिस्पेक्ट्स हिज मदर. इन द सेम वे, if I respect my father, in the same way I respect my mother. ये सारे क्या है? Connectors of similarity है. Connectors of opinion. मेरे ख्याल में, personally, in my opinion, as I see it, in my view, you should understand it. हाँ? In my opinion, I consider it good. ये बेटा क्या क्या लाएंगे? ये सारे logical connectors है, ठीक है बच्ची? जनरल स्टेटमेंट्स, इन जनरल, ऑन द होल एंड जनरली एज अ रूल. ये क्या है? जनरल स्टेटमेंट के लिए है. कनेक्टर्स एक्सप्रेसिंग रियलिटी एंड फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली द ट्रुथ इज. बच्ची 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 बच्ची
زما بیک تلر کو بچی په مزه ځان رواله بچی ښه अब बेटा देख ले ये कनेक्टर्स ऑफ एग्जांपल सच एज देयर आर सेवरल कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर सच एज एनोरेक्सिया एंड दूसरी नाम बीमारी की जो है बेटा आप जानते हैं एनोरेक्सिया जानते हैं ना टेम्परेचर को कहते हैं तो बेटा ये क्या है इन पार्टिकुलरली स्पेशली फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस ये सारे के सारे हम डेली लाइफ में यूज करते थे बेटा जहां आपको ये मिलेंगे फिर आप उसको क्या कहेंगे कनेक्टर्स कहेंगे ठीक है बच्चे आगे देखे बेटा Connectors to list points to begin with and the first place, first of all, secondly, thirdly, finally, and lastly. Better, ye sare ke sare connectors kehlate. Connector expressing a conclusion, in short, and to sum up and to conclude. Ikrash Malam. Na. बेटा सॉरी मैं आज असल में एक क्रैश मेरा बेटा वो मुझे बार बार तंग कर रहा है तो असल में बेटा ये जो आपको अभी ये टॉपिक है ना बेटा ये आप इसको खुद पढ़ोगे इसके पे आप एग्जांपल बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा देखो बेटा दूसरी बात ये है टू बी वेरी रियल ना इट हैज नथिंग विद द ग्रामर इसका ग्रामर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है लेकिन आपके कोर्स में एक टॉपिक इंक्लूडेड है तो वाई वी शुड नॉट प्रिपेयर इट ना बस ये बात है बाकी बेटा इसका इतना रोल नहीं है इंग्लिश ग्रामर में और ये आसान भी है बेटा आप इसको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें ठीक है इस पे पेपर में क्वेश्चन मेरे ख्याल में आएगा भी नहीं अगर आ जाए तो इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा और इसके लिए इसलिए बेटा मैंने इसको सरसरी आपको तरतीन लिखवा के समझा दिया तो बेटा आपको खुद ब खुद ये क्लियर हो जाएंगे क्योंकि ये टेक्निकलिटी बेस्ड नहीं है दीज आर नॉट बेस्ड ऑन सम टेक्निकल आप ये समझे ना कि उसकी इसको कोई इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ टेक्निकलिटी तो इसलिए बेटा मैंने इसको थोड़ा सा सरसरी आपके साथ करवा के इसके साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेटा आप इस पर खुद मेहनत करें ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा बहुत इजी बहुत सिंपल और बहुत आसान है अच्छा सुख जारी हाँ हाँ तो बट यू अंडरस्टैंड यू आई थिंक यू विल गेट द टॉपिक ना इट्स क्वाइट इजी इट डजंट नीड दैट मच स्ट्रगल एंड एफर्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ठीक है बच्चे Thank you.